इस भूमि ने भगत फूल सिंह जैसे महापुरुष देश को दिए हैं, जिन्होंने तब बेटियों की शिक्षा को अपना मिशन बनाया, जब बेटियों को पढ़ाना असंभव था। ये मेरा सौभाग्य है कि 2015 में पानीपत से ही मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ करने का अवसर मिला। कांग्रेस ने 60 साल देश पर राज किया, लेकिन उसे कभी देश की बेटियों की चिंता नहीं हुई। अगर कांग्रेस को चिंता होती तो गैस, नल से जल, बिजली, टॉयलेट, बैंक में खाते, ऐसी मूल सुविधाएं आज 60-70 साल के बाद मेरे आने के बाद मिली। मुझे संतोष है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से हरियाणा को फायदा हुआ। 10 साल पहले हरियाणा में 1000 बेटों पर सिर्फ 866 बेटियां थी, आज ये संख्या बढ़कर 914 हो चुकी है। आज हरियाणा की बेटियां स्पोर्ट्स में दम दिखा रही है, आज हरियाणा की बेटियां पुलिस और सेना में दम दिखा रही है। हमें गर्व है कि एनडीए में जो महिला कैडेट्स का जो फर्स्ट बैच था उसमें हरियाणा की बेटी ने टॉप किया। साथियों, हरियाणा भाजपा नारी शक्ति को और सशक्त करने के लिए आगे बढ़कर काम कर रही है। हरियाणा भाजपा ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपये देने का वायदा किया है। गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की भी योजना जारी रहेगी। हरियाणा भाजपा ने 5 लाख लखपति दीदी बनाने और हर गांव में ड्रोन पायलट दीदी बनाने की भी घोषणा की है।